गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम ये देख चुके हैं सबसे पहले तो कि जो मिक्सर होता है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा मिक्सर है, मिक्सर हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा होमोजीनियस और दूसरा हेटरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन में डिवाइड होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सर को ट्रू सॉल्यूशन के तौर पर भी जाना जाता है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो हेटरोजीनियस मिक्सर्स होते हैं हमारे, हेटरोजीनियस मिक्सर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं हमारे सस्पेंशन और एक होता है हमारा अलॉय। तो इस सस्पेंशन के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सस्पेंशन क्या होता है, आपने पता है आपको कि हेटरोजीनियस मिक्सर क्या है। हेटरोजीनियस मिक्सर्स वो मिक्सर्स होते हैं जो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते, यानी कि वो मिक्सर जो मीन्स अगर हम दो चीज़ों को आपस में मिला दें तो वो दोनों चीज़ें, वो दोनों मटेरियल्स आपस में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे, वो हमारे हेटरोजीनियस मिक्सर्स होंगे, ठीक है। और हेटरोजीनियस मिक्सर में ही हमारा आता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या हो गया, सस्पेंशन मतलब किसी लिक्विड में जो आपका सॉलिड डिजॉल्व किया जा रहा है, किसी लिक्विड में जो आपका सॉलिड डिजॉल्व किया जा रहा है वो पूरे लिक्विड में फैल जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलता। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम वाटर में सैंड डालते हैं तो जैसे जैसे हम सैंड डालते जाएंगे स्टार्टिंग में हमको लगेगा कि ये सैंड उस पानी में मिल रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो सैंड आपकी सरफेस पर बैठ जाती है, तली में बैठ जाती है। इसी को कहते हैं हम हेटरोजीनियस मिक्सर, यानी कि यही होता है हमारा सस्पेंशन। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का उल्टा है। OH मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन और Ca मीन्स कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो करा दी जाती है, इसका कॉमन नेम है आपका लाइम वाटर, ठीक है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करा दी जाती है तो वहाँ क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर हमको मिलता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ ऐड कर दी जाती है, ये क्या आपका सस्पेंशन है। जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में ऐड कर दी जाती है तो वो कम्प्लीटली उसमें डिजॉल्व नहीं होती, ये एक सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी सस्पेंशन की है कि सस्पेंशन जो होते हैं हेटरोजीनियस मिक्सर होते हैं। हेटरोजीनियस मिक्सर का मतलब ये आपस में नहीं मिलते। जब आपस में नहीं मिलते तो इनके पार्टिकल्स कैसे होंगे, बड़े होंगे। जब ये पार्टिकल्स आपस में नहीं मिलते, ये घुलते नहीं हैं, तो इनके पार्टिकल्स कैसे होंगे, बड़े होंगे। जब ये पार्टिकल्स बड़े होंगे तो हमें अपनी आंखों से क्लियरली देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें आसानी से अपनी आँखों से देख सकते हैं। जब वो हमें अपनी आँखों से देख सकते हैं तो वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साइज में बड़े हैं, साइज में बड़े होने के कारण हम उनको फिल्टर पेपर से पास नहीं करा सकते। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। और नेक्स्ट, वो अनस्टेबल भी होते हैं, मीन्स वो स्टेबल नहीं होते और वो अपना जब हम उस पर लाइट मारते हैं तो वो कोलोइडल इफेक्ट भी दिखाते हैं। ये हो गया हमारा सस्पेंशन। नेक्स्ट क्या हमारा कोलोइड्स, कोलोइड्स भी इसी तरीके से होते हैं। कॉलर्स जो होता है हमारा, कॉलर्स भी कॉलर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन दोनों के बीच के होते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो कॉलर्स होते हैं उन कॉलर्स के पार्टिकल्स इन दोनों के बीच के होते हैं, मीन्स ना ज़्यादा छोटे होते हैं और ना ज़्यादा बड़े होते हैं। मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो भी इन दोनों के बीच में ही पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स देखिए, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स आर, कॉलॉइड्स अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेटरोजीनियस, यानी कि कॉलॉइड्स जो होते हैं वो हमें लगते होमोजीनियस हैं लेकिन रियली में ये कैसे होते हैं, हेटरोजीनियस होते हैं। यानी कि कॉलॉइड्स जो होते हैं हमें होमोजीनियस लगते हैं लेकिन होते ये हेटरोजीनियस है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन कॉलॉइड इज बिगर देन दोज इन थ्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन सस्पेंशन, यानी कि थ्रू सॉल्यूशन से बड़ा पार्टिकल होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है, यानी कि जो पार्टिकल होता है इन दोनों का, जो आपके कॉलॉइड्स का, वो आपके थ्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है।
पार्टिकल्स कैन बी सीन, यानी कि कुछ पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते थे और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते थे। जब इसकी प्रॉपर्टी, जब हमारे कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा कि इसके कुछ पार्टिकल्स को हम देख पाएंगे और कुछ को नहीं देख पाएंगे। जब हम कुछ को देख पाएंगे कुछ को नहीं देख पाएंगे, तो कुछ पार्टिकल्स इसके फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे। कॉलर्स भी आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।